प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ नोटू काका, हाँ मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ तो दुकान थोड़ा लेट आऊंगा, तो कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन करना। हाँ हाँ ओके, हाँ ठीक। अरे दया चाय ला जल्दी। ला 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 ला। अरे कहाँ जा रही है? बापूजी के लिए। हाँ तो पहले बापूजी को दे फिर मुझे दे। नहीं नहीं बो, पहले जेठिया को दे, उसे देर हो रही होगी। नहीं नहीं बापू जी, इतनी भी देर नहीं हो रही है, आप भी लीजिए। हाँ तो ला, दे 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 बापूजी को। अरे जेठा, वो मेडल का क्या हुआ, पता चला किसका है? अरे बापूजी, वो मेहता साहब ने फटाफट कंप्यूटर पे चार पांच बटन दबा के तुरंत पता लगा लिया वो मेडल किसका है। वो कोई कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ का है, वो गोरेगांव में रहते। तो अभी मैं, मेहता साहब और भिड़े तीनों जा रहे हैं उनके घर पे, उनको मेडल देना बापूजी। चलो अच्छा हो। बोलिए बोलिए मेहता साहब। अरे कंपाउंड में रहा देख रहे, एक दो मिनट पहुंचा मैं, दो मिनट में पहुंचा। हाँ ओके बापू जी, मैं निकलता हूँ, लोग राह देख रहे हैं। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ। अरे भाई मेडल लिया ना? हाँ लिया बापू जी। अरे चाय। अरे पंक्चुअलिटी इज अ मस्ट इन लाइफ, उसको कौन समझाएगा। लेकिन चलो चलो चलो, ये देखो आ गए। जेठालाल कितना टाइम लगाते हो भाई, देर हो रही है। आगे आगे भाई, चलो 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 यार, देर हो रही है। चलो चलो चलो। अरे सोडी तू भी आ रहे? हाँ मैंने मेडल वाली बात सोडी को बताई तो सोडी ने कहा मैं भी चलता हूँ। मैंने कहा चलो। अरे वाह तो बढ़िया है। वो क्या है ना, और मिलिट्री वालों से तो अपना जोशो खरोशो का रिश्ता है, और मैंने कहा इसी बहाने मैं भी सल्यूट मारा हूँ। और मेन बात है कि रिक्शा के पैसे भी बच जाएंगे ना अपने। चलो यार जल्दी बैठो। चलो 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 शाबाश। चलो चलो छोड़ी यार, और तुम लोग तो सारे पीछे बैठ गए, भाई आगे भी तो बैठो। बिड़े मेहता साहब, जेठालाल तुम बैठो। मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ यार, और कोई तो आगे आगे बैठो ना। जेठालाल तुम्हारे बेटे टप्पू को मेडल मिला है ना, तुम्हारी जिम्मेदारी, हाथ तुम्हारा बनता है, बैठो। बराबर बराबर, जेठालाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। चलो जवान आ जाओ। हाँ चलो शाबाश। एक मिनट चालू मत करना। क्या बात है, ऐसे कहते असली हीरो। हीरो मारा भाई। छोटी थोड़ा धीरे उड़ाना, मतलब चलाना। बेटा बड़ा तुझे निश्चिंत रहो, थोड़ी नहीं गड्डी है तेज। तो कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ लगता है यही बंगला है। सोडी गाड़ी रोक। अरे अरे रोक दी थी गाड़ी। अरे रोकने का मतलब गाड़ी बंद कर भाई। गलती से बोला उन्होंने कि रोक दे, बंद करने को बोल रहे हैं। लो जी बंद कर देते गड्डी। हे भगवान, सोडी तेरी गाड़ी में हम सही सलामत आ गए, हमें मेडल देना नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अरे उड़ाता है गाड़ी ये तो भाई, गाड़ी है हवाई जहाज भाई। जगह तो सही है, नाम लिखा हुआ है। अरे जेठा बेल तो बजाओ। वही ढूंढ रहा हूँ भाई, डोर बेल है किधर? अरे वो सब सेम कलर में तो पता ही नहीं चला। अरे पड़े नीचे, जब भी कोई हमला करे नीचे बैठ जाना चाहिए। अरे वो चीटा भरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नीचे झुक के नीचे नीचे।
यहाँ गोली कौन चला रहा है? कौन चला रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन आवाज अंदर से आ रही है। बाप रे, क्या डेंजर जगह है ये। हम लोग वापस घर जिंदा तो जाएंगे ना? क्योंकि जरूरी काम है। अरे मेरे ट्यूशन क्लासेस दोपहर में। बच्चों को फोन करके बोल दो आज से भिड़े ट्यूशन क्लासेस बंद। मैं तो भाग रहा हूँ। सॉरी पिडू, वो तेरा कुर्ता तो पूरा फट गया यार। इसने बोला रुको, रुका होता तो ये नहीं होता ना। वो यारो, तुमने कुछ सुना क्या? वो गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। हाँ रुको, मैं देखता हूँ। संभाल के सुन। ओ यारो, ये असली गोलियां नहीं चल रही हैं, ये तो डोर बेल में रिंगटोन है गोलियों की आवाज का। हाँ ये देखो। अजय भाई, ये अलग ही डर बेल है। जा जा, ये तो अजय भी है। हाँ अलग ही डर बेल है। अरे डोर बेल नहीं है जेठालाल, डर बेल है, डराती है ये तो। ये बच्चों की तरह बार बार आप लोग बेल क्यों बजा रहे हो? वो पहले तो जेठा पुराने बेल बजाई। नहीं नहीं, मैंने तो एक ही बार बजाई, दो बार उसी ने बजाई और एक बार इसने बजाई। मैम, असल में हम कर्नल प्रताप सिंह राठौर से मिलना चाहते हैं। कर्नल राठौर किसी से नहीं मिलते, आप लोग यहाँ से चले जाइए। नहीं, हम सिर्फ। कौन है? कौन है? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वो बहुत गुस्से में है। प्लीज प्लीज आप चले जाइए। रहने दो, चलो चलो चलते। चुप, रुक। एक मिनट। मैम देखिए, हम राठौर साहब का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलना है। पाँच मिनट, 5 सेकंड भी आप उनसे ना मिलो तो आपके लिए अच्छा होगा। प्लीज। बाहर कौन है सुजाता? मेरे सामने उनको हाजिर करो। अब तो आपको अंदर आना ही पड़ेगा, कर्नल साहब का ऑर्डर है। आइए। आप लोग यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। कर्नल राठौर ठीक 1 मिनट में आपसे मिलने आएंगे, बैठिए। अरे मैं तो कहता हूँ अभी भी अपने पास 1 मिनट है। 42 सेकंड। हाँ हाँ, वही 42 सेकंड है, वो मेड़ यहाँ पे रखते हैं और चलते हैं यहाँ से। पिड़ू कुछ नहीं होगा, ऐसे ही डर रहा है, ठंड रहा है।
कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ जी। नमस्ते। 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 थैंक यू कर्नल साहब। मेरा नाम तारक। नाम नहीं, काम की बात करो। क्यों आए हो और किस लिए आए हो? जी कर्नल साहब, असल में हम सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। तो कर्नल साहब, हमने बहुत मुश्किलों से आपका एड्रेस ढूंढा है, क्या हम 5 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? इनकी बात तो सुन लीजिए। सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर्नल साहब, ये जेठालाल गड़ा है। नहीं नहीं, आप ही बोलिए। असल में इनके बेटे टप्पू को स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में आपका मेडल मिला, ये देखिए। तुम्हारी 5 मिनट खत्म हो गई, दफा हो जाओ यहां से। Get out! Get out! सर, आप अपना मेडल ले लीजिए, हम लोग चले जाएंगे। एग्जैक्टली। ले लीजिए ना। नहीं चाहिए मुझे कोई मेडल। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ एक सच्चे देशभक्त, एक बहादुर सैनिक, एक निष्ठावान नागरिक, जिनका पूरा परिवार देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ 1999 कारगिल वॉर के हीरो, जिनके नाम से दुश्मन सेना के सैनिक थर थर कांपने लगते हैं, जिनकी बहादुरी के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार और मेडल्स मिले। उन्हीं मेडल्स में से एक ये मेडल हम आपको बहुत सम्मान और इज्जत के साथ वापस लौटाने आए हैं कर्नल साहब, इसे स्वीकार कर लीजिए। मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए। लेकिन क्यों कर्नल साहब? हम जवान जान की बाजी लगाकर दिन रात देश की रक्षा करते हैं, इसलिए कि देश में अमन और शांति रहे, खुशहाली और भाईचारा रहे। लेकिन देश के अंदर क्या चल रहा है? बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, प्रांतवाद, कहां है वो एकजुट भारत देश जिसके लिए हम जवान देश की सीमा पे बारिश, ठंड और धूप की परवाह किए बिना हमारी जान की आहुति देते हैं। अखबार में नजर डालो, रोज कोई ना कोई घोटाला नजर आता है। कोई जमीन हड़प रहा है, कोई अनाज हड़प रहा है, तो कोई सब्जी हजम करता है, तो कोई पूरे देश को हजम करने की तैयारी में है। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया बसेरा करती थी, वो भारत कहां है? कहां है वो भारत जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पक पक डेरा था? वो भारत कहां है? कहां है वो भारत देश? कर्नल साहब, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, इस देश के प्रति आपके भाव प्रणम में है, लेकिन कर्नल साहब, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं। सूरज अगर बादलों की ओट में आ जाए और थोड़ी सी रोशनी चली जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आसमान में सूरज नहीं है। कर्नल साहब, दर्पण पे धूल आ जाए और हमें अपना चेहरा नजर नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि दर्पण खराब हो गया। मैं जानता हूं कि भारत की भूमि पे धूल आ चुकी है कर्नल साहब, एक ऐसी धूल जो मिटाए नहीं मिटरी, बेईमानी की धूल, कालाबाजारी की धूल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जातिवाद की, प्रांतवाद की धूल। लेकिन कर्नल साहब, आप जैसे लोगों के नेतृत्व में हम सब लोगों को मिलकर इस धूल को मिटाना है। मेरे बाबूजी 71 की लड़ाई में शहीद हुए थे, मेरा बेटा 2008 में टेररिस्ट की गोली का शिकार हुआ था। देश में आज हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं और तुम लोग मुझे झूठी तसल्ली, झूठा दिलासा दे रहे हो। आपके भीतर जो गुस्सा है कर्नल साहब, वो जायज है, और यकीन मानिए वही गुस्सा हम सबके भीतर है।
लेकिन कर्नल साहब, अगर आप जैसा सच्चा देशभक्त, अगर आप जैसा बहादुर सैनिक निराश हो जाएगा तो हम जैसे आम आदमी कहां जाएंगे? और कर्नल साहब, हमारे घर की किसी दीवार में दीमक लग जाए तो हम पूरी दीवार तो नहीं तोड़ देते ना? बिल्कुल, ये हमारा कर्तव्य है कि इस बेईमानी की दीमक को चुन चुन के हम इस देश से बाहर फेंक दें। बिल्कुल। और राठौर साहब, हम जिस गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पे सभी जाति धर्म के लोग बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं, किसी में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। आप आकर देखिए हमारी सोसाइटी में। और आप वहां आएंगे कर्नल साहब तो आप देखेंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी एक छोटा सा हिंदुस्तान है, एक प्यारा भारत। और मुझे लगता है कि सारे भारत को ऐसा होना चाहिए जहां लोग मिलजुल के परेशानियां उठाएं और उसके बाद भी मुस्कुराते रहें। और यकीन मानिए, हिंदुस्तान ऐसा होगा जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया का बसेरा होगा। कर्नल साहब, आप जैसे सच्चे देशभक्त जब तक इस देश में हैं, तब वो दिन ऐसा आएगा कि फिर से सत्य अहिंसा का पग पग पे डेरा होगा। इसलिए हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, हमारी विनती है कि आपका यह मेडल फिर से स्वीकार कर लीजिए। कर्नल साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है कर्नल साहब, आप अभी बेहद क्रोध में हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन कल 26 जनवरी है, हमारा गणतंत्र दिवस, और मैं जानता हूं कि आपके लिए हमारे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से बेहतर दिन क्या हो सकता है। और आप जैसे लोगों की वजह से ही इस देश का हर नागरिक बेखौफ होके, निडर होके ये राष्ट्रीय उत्सव मना पाता है। और मैम, आपसे हाथ जोड़ के हमारा अनुरोध है कि कल 26 जनवरी के दिन आप राठौर साहब को लेकर हमारी सोसाइटी में आइए। यकीन मानिए, अगर इनके जैसा सच्चा देशभक्त हमारी सोसाइटी में आया तो हम सबको बेहद खुशी होगी। और 26 जनवरी जैसे पवित्र दिन अगर ये मेडल हम उन्हें सौंप देते हैं तो हमें गौरव की अनुभूति होगी। मैं नहीं आऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। राठौर साहब, भले ही आप कह रहे हैं कि आप नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यदि आपको हमारे देश से प्यार है, जो कि है, अगर आपको हमारी संस्कृति पे भरोसा है, जो मैं जानता हूं कि है, अगर आप जानते हैं कि हमारे संस्कारों की नींव कितनी मजबूत है, तो आप जरूर आएंगे। और हम ही नहीं, सारा हिंदुस्तान आपका इंतजार करेगा। बापूजी, मैं आपके लिए खाना परोसू? नहीं बहू, जेठे को आ जाने दे, साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, लो आ गए टप्पू के पापा। चलिए आइए, बैठ जाइए खाने के लिए। दो मिनट जरा शांति रख। अरे जेठा। जी बापूजी। मेडल दे आया? अरे सुबह मेडल देने गया था, वो दे आया? हाँ नहीं बापूजी, मेडल तो ये रहा। क्या हुआ, पता गलत था? नहीं, पता और आदमी दोनों सही थे, लेकिन दिया क्यों नहीं? हुआ यूं बापूजी, हम लोग वो कर्नल राठौर के घर पे पहुंचे मेडल देने के लिए, वो भाई मेडल लेने के लिए कल अपनी सोसाइटी में आएंगे कि नहीं? ये तो अभी कल ही पता चलेगा। कहते हैं वक्त से बड़ी दवा कोई नहीं होती, वक्त बड़े बड़े जख्म भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नजर आते हैं, जो शरीर पे होते हैं, जो चोट दिखती है, वक्त उन्हें तो भर सकता है, लेकिन वक्त उन चोटों का क्या करे जो दिल पे लगती है।
और दिल पे लगे हुए जख्म आसानी से नहीं भरते, और ऐसी एक चोट लगी है कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ को, और मैं कतई नहीं जानता कि ये चोट कब भरेगी। उनका गुस्सा शांत होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ 26 जनवरी को गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाले फंक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता कि गोकुलधाम निवासी उनका सम्मान वापस लौटाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि यहां जो कुछ होगा हंगामा भरा होगा, और इतने हंगामे होंगे 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में कि आप तालियां बजाते बजाते थक जाएंगे और कहेंगे कि भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जवाब नहीं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में क्या होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।